हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली भारत बचाओ रैली को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाने को लेकर बात भी कही गई। रैली में सरकार के गिरते जीडीपी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी और रैली में हरियाणा से काफी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में जुटने की बात कही। साथ ही कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, व्यापार, किसान समेत बेरोजगारी जैसे मुद्दों को रैली में उठाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस विधायक गीता भुग्गल ने कहा कि 14 दिसंबर भारत बचाओ रैली में हरियाणा की भागीदारी भी रहेगी। और सभी साथियों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आदमी लेके आएंगे, तो हरियाणा से काफी लोग आएंगे और सभी साथी लेके आएंगे। आर्थिक मंदी जो है वो सबको मालूम है और उसकी मार गरीब आदमी पर पड़ रही है, सब उनको महसूस हो रहा है। भारत बचाओ जो है एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया उसमें विफल रहे, ये मुद्दा है। महिला सुरक्षा की बात है, आपका कृषि क्षेत्र में जो है किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, आपका व्यापार जो है जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे आ रही है, अभी करीबन 4.5 पे आ गई है, और ये तो इनके आंकड़े हैं लेकिन ये अगर सही मायने में जाओ तो 3 से भी नीचे है। उससे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दे जो हैं उठाए जाएंगे और हरियाणा के ऊपर खास दर्ज दिया गया है कि आपका ज़्यादा लोग लिखे हैं इस रैली के अंदर। तो बता दें आपको इस पूरे भारत बचाओ रैली में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा। महिला सुरक्षा, व्यापार, किसान समेत बेरोजगारी जैसे मुद्दे रैली में उठेंगे। चौदह तारीख की भारत बचाओ रैली जो हो रही है उसमें हरियाणा की बहुत बड़ी भागीदारी पहले भी हमेशा रैली में रही है, इस बार भी ये सुनिश्चित किया गया कि हरियाणा के बहुत से साथी, क्योंकि पूरे देश भर में इस समय जन आक्रोश है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, चाहे वो किसान हैं, गरीब हैं, दलित विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ पूरे देश भर में रोष है। और खासतौर से अभी जो महाराष्ट्र का प्रकरण हुआ उसके बाद आम जनमानस भी काफी ज्यादा दुखी है, तो मैं समझती हूँ बहुत लाखों की संख्या में ये रैली होने वाली है। बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, खासतौर से किसानों का बहुत बड़ा विषय है, उनको फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और बेरोजगार युवा जो है धरने पर बैठा है, और खासतौर से दिल्ली में देखा होगा कितने युवाओं ने धरना दे रखा है लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रह गई।